Assalamu alaikum, class 9. It is our lecture number 3 of chapter number 1. That is, chapter number is Introduction to Chemistry. Class, in the last lecture, number 2, we have discussed the definition of chemistry and we have started to discuss about the branches of chemistry in which we have studied about the physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry and biochemistry. Now today we will start the next branch of chemistry, that is known as industrial chemistry. Industrial chemistry is industrial chemistry. It is the branch of chemistry that deals with the study of different chemical processes involved in the chemical industries for the manufacture of synthetic products. Right class, it is that, again I am repeating, industrial chemistry is that chemistry in which we study about the different chemical processes which belongs to industrial chemistry, and these different chemical processes are done for the manufacture of synthetic products. Now I will explain it. यानी देखें, industrial chemistry में हम ऐसे chemical process के बारे में detail में पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ठीक है, क्यों यूज होते हैं वो, ताकि डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके. फॉर एग्जांपल लाइक पेपर कैसे बनता है इंडस्ट्री में, आपको पता है कि पेपर इंडस्ट्री से बनकर आता है, मार्केट वगैरह भी वहां से परचेज करते हैं, तो पेपर का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, ग्लास कैसे बनता है, डिफरेंट वरायटी ग्लास होते हैं, ठीक है, तो ग्लास कैसे बनते हैं. इसी तरह से सीमेंट है, सीमेंट जो हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, तो सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट किस तरह बनाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या केमिकल्स यूज होते हैं उसमें, ऑल द डिटेल, ठीक है. फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं ताकि वो जो है सॉइल को फर्टाइल कर सकें. इस तरह से डिफरेंट स्प्रेस जो होते हैं, वो डिफरेंट स्प्रेस जो कि इंसेक्ट किलर होते हैं वो कैसे बनते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो भी इसमें हम स्टडी करते हैं. वॉशिंग सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है, सोप्स हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, क्या कंपोजिशन होती है, क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है, ठीक है. इस तरह से मेडिसिन कैसे बनती है, मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैसे बनती है, वो सब एक इंडस्ट्रियल वर्क होता है. इंडस्ट्रीज में काम बहुत बड़े लेवल पर होता है, ठीक है, लाइक जो है इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा लेबर यूज होती है और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट अपने अपने प्रोफेशन के एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो उनको अपॉइंट किया जाता है और वो जो है इंडस्ट्रीज को रन करते हैं. इंडस्ट्रीज में जो है बहुत जो है एक बड़े पैमाने पर किसी किस्म की कोई खास प्रोडक्ट को बनाया जाता है. ओके, नाउ देयर इज अ वर्ड सिंथेटिक प्रोडक्ट. व्हाट इज मीन बाय द सिंथेटिक प्रोडक्ट? द मैन मेड प्रोडक्ट इज नोन एज अ सिंथेटिक प्रोडक्ट. आई एम अगेन रिपीटिंग, मैन मेड प्रोडक्ट यानी वो प्रोडक्ट जो कि इंसान खुद बनाते हैं. देखिए, आपको पता है कि कुछ चीजें तो नेचुरली दुनिया में मिलती हैं, ठीक है ना, नेचुरली दुनिया में वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, वो नेचुरल चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जो है इंसान डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट प्रोसेस से वो बनाते हैं, ठीक है, खास तरीके से बनाते हैं वो, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं, सिंथेटिक कहलाती हैं. तो जो मैन मेड प्रोडक्ट्स होती हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं, वो इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं, ठीक है. ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड. आई एम अगेन रिपीटिंग दैट डिफरेंट केमिकल प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट, दे ऑल आर स्टडीड इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. यानी वो सारे डिफरेंट केमिकल प्रोसेस जो कि डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को, यानी मैनमेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो है वो तरीके यूज किए जाते हैं, वो सारे जो है हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं, डिपेंड करता है क्या चीज बन रही है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइक पेपर है, ग्लास है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, वॉशिंग सोडा, स्प्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेस, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट एंड लाइक नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज, दिस ऑल आर मेड इन द इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल लाइक आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ लाइक पीवीसी पाइप, ठीक है ना, जो पाइप होते हैं, सिरेमिक्स भी इंडस्ट्रीज में बनती है. सिरेमिक्स लाइक जो है वॉशिंगटन,
जो है आपके पास बेसन वगैरह जो होता है, ठीक है, दैट इज द सिरामिक्स, सिरामिक्स जो चीजें होती हैं वो सारी से बनती हैं। क्लॉथ, क्लॉथ्स आर मेड इन द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में बनते हैं, क्लॉथ की फॉर्मेशन जो है इंडस्ट्रीज में होती है, डिफरेंट टाइप का जो क्लॉथ है वो इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। तो इस तरह के जो है बहुत सारी चीजें जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं वो इंडस्ट्रीज में बनती हैं और एक बहुत वास्ट लेवल पे इनका काम होता है, दैट इज डन इन द इंडस्ट्रियल, दीज ऑल प्रोसेस आर स्टडीड इन द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स एकॉम्पनीड बाय द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। सो इट मीन्स दैट जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री एटम के न्यूक्लियस से बिलोंग करती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम वो प्रोसेस स्टडी करते हैं जो कि एटम के न्यूक्लियाई से कंसर्न होते हैं। न्यूक्लियाई इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई वर्ड, इट इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी एटम का जो एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियाई इट्स द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। तो जो इसमें इस केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस केमिस्ट्री में हम बेसिकली एटम के न्यूक्लियस में जो चेंजेस होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरह चेंजेस कर सकते हैं, समथिंग ऑल दिस थिंग्स वी स्टडी इन डिटेल अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जब न्यूक्लियस ऑफ एटम में चेंजेस होते हैं तो कुछ इनविजिबल रेडिएशंस भी रिलीज होती हैं। ठीक है, व्हाट आर दिस इनविजिबल रेडिएशंस? दिस इनविजिबल रेडिएशंस में भी अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, दीज आर द सिंबल्स। अल्फा इज दिस वन, अल्फा रेडिएशंस, अल्फा बीटा रेडिएशंस, BETA बीटा रेडिएशंस, एंड दीज आर द गामा रेडिएशंस। दीज आर वेरी फेमस रेडिएशंस, दीज आर नोन एज अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। गामा गामा रेडिएशंस। उसके क्लास नाउ I will explain the definition of nucleus chemistry, and before explaining the definition of nucleus chemistry, I will tell you the structure. I would like to tell you about the structure of atom. आप the previous classes में atom structure के बारे में यकीनन पढ़ा है आपने. Now I will recall it. आपको पता है कि कोई भी atom जो है वो nucleus पे consist करता है. The central part of the atom is called as the nucleus. क्या है ये? It is the nucleus. Nucleus. अच्छा, ये भी पता है कि न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, विच आर नोन एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यू नो दैट प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, कोई चार्ज इन पे नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में, ठीक है, इसके सराउंडिंग में जो है देयर इज ऑर्बिट, इसके सराउंडिंग में थर्ड टाइप के पार्टिकल्स मूव करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग क्लास, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। ठीक है, एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, अच्छा, इस जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो तरह के पार्ट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा, एक दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। नाउ इन द इट इज द न्यूक्लियस, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से न्यूट्रॉन जो है वो उनपे कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इस तरह से ओवरऑल चार्ज पूरे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो हम कह सकते हैं कि पूरे न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज स्प्रेड कर रहे हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, इसके अलावा कोई और चार्ज न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट पे, ऑर्बिट मीन्स अपने अपने रास्ते पे, अपने अपने खास रास्ते पे। ठीक है, वो मूव करते हैं अपने, इन्हें ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लाइटेस्ट पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नाउ लास्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
ठीक है। अच्छा ना, आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वी विल मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा देखिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड व्हाट डू वी स्टडी इन द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी इसमें बेसिकली हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, और जो है आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस का प्लोरल है, और इन दिस वी स्टडी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा देखिए, हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होती है उनके बारे में स्टडी करते हैं, और हम ये भी स्टडी करते हैं कि जो है न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब इसमें वी स्टडी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी स्टडी किया जाता है इसमें। इसमें जो है वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री बहुत फेमस स्टडी है। इसमें हम क्वांटम स्टडी के बारे में, क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज मीन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब ये है कि कोई भी न्यूक्लियस जो है वो उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि न्यूक्लियस जो है वो अपनी जगह पर स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, उसके ऊपर जो है लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स है, ये सब चीजें उसके ऊपर न्यूक्लियस एटम की किसी न्यूक्लियस के ऊपर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो क्या रीजन है, क्या प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियस की जिसकी वजह से वो सेफ रहता है, और उसके ऊपर सारी जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड फैक्टर्स है ये उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्लास, ओके नाउ, इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम व्हिच आर एक्कम्पनीड बाय द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। अच्छा, अब जो इसका सेकंड पार्ट है, एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, व्हाट इज मीन बाय द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, आई टेल यू। देखिए, जो रेडिएशन होती है, जो फेमस रेडिएशन है वो है तीन तरह की होती है, वन इज अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, इनविजिबल रेडिएशन होती हैं जो कि किसी भी न्यूक्लियस से रिलीज हो सकती हैं। दीज आर कॉल्ड एज द अल्फा रेडिएशन, दीज आर द बीटा रेडिएशन, दीज आर द गामा रेडिएशन, ठीक है। अच्छा, इन रेडिएशन के बारे में आप चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में आएगा, इन द टॉपिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अब उसमें हम स्टडी करने वाले हैं इनके बारे में। तो अल्फा बीटा जो गामा रेडिएशन है, ये इनविजिबल रेडिएशन होती हैं, तो ये किसी भी न्यूक्लियस से क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो है इनविजिबल फॉर्म में न्यूक्लियस से रिलीज होती हैं। तो ये सब चीजें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिटेल में स्टडी करते हैं। और जो आइसोटोप्स, अगर आपने आइसोटोप्स का वर्ड सुना हो, अगर नहीं सुना है तो हम जो है चैप्टर 11 में, चैप्टर 3 में, दोनों में है, ठीक है। चैप्टर 3 है चैप्टर 11 एटॉमिक, चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर 11 अबाउट हाइड्रोजन एंड वाटर, दोनों चैप्टर्स में आइसोटोप्स के बारे में बहुत डिटेल में जो है ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम आइसोटोप्स के बारे में भी हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है आइसोटोप से भी बिलोंग करती है, आइसोटोप्स के बारे में भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। तो क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Okay, now dear students, we will move towards the next branch of chemistry, that is environmental chemistry. In the environmental chemistry, you know by the name that we study about the environment basically. In this, we study about the environment, yani hamara jo mahol hai, irdgird ka mahol hai, uske bare mein hum detail mein study karte hain. Acha, in this branch of chemistry, we study about the interaction of chemical materials and their effect on the environment of animals and plants. Yani jo environmental chemistry mein hum environment ke bare mein study karte hain, aur isme hum environment jo ke hamare ek girdh ka mahol hota hai,
तो वो जो है वो हमसे यानी एनिमल्स और प्लांट्स से पे क्या असर डालता है, उस पे हमारी वजह से क्या असरात पड़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या असरात पड़ते हैं, इनका एनवायरनमेंट का और लिविंग बॉडीज का यानी एनिमल्स और प्लांट्स का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या इंट्रेक्शन है, ठीक है, क्या केमिकल मटेरियल्स हैं जो आपस में दोनों को जोड़ते हैं और दोनों का एक दूसरे पर असर होता है, ये सब जो है हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी जो हमें स्टडी करते हैं कि जो है जो केमिकल मटेरियल्स हैं उनका और जो उनका एनवायरमेंट पे क्या असर होता है और किस तरह से वो एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अच्छा, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू मोर पॉइंट्स अबाउट द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लेट मी मूव इट। ओके क्लास, इन द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली वी स्टडी अबाउट टू मेन फैक्टर्स। इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। फर्स्ट थिंग, वी स्टडी अबाउट द components of environment. Second thing which we study in the environmental chemistry, that is the effect of human activity. Effect of human activity. दो तरह के फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेकंड थिंग्स दैट इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी अपॉन द एनवायरनमेंट। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट, व्हाट इज मीन बाय द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मींस, फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज मीन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, इन एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। वन इज द बायोटिक एनवायरमेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स, देन नेक्स्ट वन विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स। components, okay? Number components of environment are of two types, biotic components and the abiotic components. Now what are the biotic components? All living organisms belong to biotic, bio means life, ठीक है ना? All living organisms they belong to the biotic components, living organism, all living organism they belong to the biotic components. जितने भी जिंदा चीजें हैं, जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक ह्यूमन बी, लाइक एनिमल्स, लाइक प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जर्म्स, ऑल दिस, ऑल द लिविंग थिंग्स बिलोंग टू द बायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक, एबायोटिक कंपोनेंट इज अपोजिट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट, मीन्स ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग factors will or things will be the abiotic components. Like for example, temperature. For example, temperature, pressure, force, then air, water, soil. Air, water, these all are the abiotic components. Again, I am repeating, there are two types of components. One is the biotic component, the other one is the abiotic component. Biotic components, bio means life, so it is concerned with the living organism. Yani biotic components living organism hote hain, for example, like human being, hum hoge insaan hoge human being, animals, birds, insects, germs, all the living things will be the biotic components. And the abiotic components,
लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, एयर, वाटर, हीट, ऑल दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है. अच्छा, इनका आपस में बहुत ज्यादा ये दोनों जो है वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. और दोनों का आपस में बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. अच्छा, क्या रिलेशनशिप है? कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम अपनी मिसाल लें, ह्यूमन बींग की मिसाल लें, तो ह्यूमन बींग्स जो है उनको टेम्परेचर भी चाहिए जिंदा रहने के लिए, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए. दे नीड द प्रेशर ऑफ द एयर, जो है फोर्स यूज करते हैं वो, उनको एयर चाहिए, वाटर चाहिए. ठीक है ना. तो इन सब ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है. इन सब चीजों के बगैर जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा नहीं रह सकते. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं. तो ये सब जो है एनवायरमेंट में एक्सिस्ट करते हैं. सो दे ऑल बिलोंग टू द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी स्टडी, आई होप यू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. आई एम टेलिंग यू इन डिटेल अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन. नेक्स्ट फैक्टर जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरमेंट. सेकेंड फैक्टर इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटीज अपॉन एनवायरमेंट. मतलब आपको पता है कि जब से इंसान दुनिया में आया है डिफरेंट टाइप की चेंजेस दुनिया में हो रहे हैं. इंसान ने बहुत तरक्की की है. इसके लिए इंसान ने बहुत ज्यादा जो है इंसान की लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आए हैं. लाइक इंसान ने इंडस्ट्रीज लगाई हैं, इंसान ने जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट तरह के काम किए हैं. ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाई है, फैक्ट्रीज हैं, और जो है वो बहुत सारी चीजें पहले नहीं बना सकता था लेकिन वो बहुत सारी चीजें बनाता है, खुद से जो है सिंथेसाइज करता है. ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल बनाता है वो. ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज जो है इंसान की जिंदगी में आती रहती हैं और वो करता रहता है. अच्छा, इन एक्टिविटीज के एनवायरमेंट पे कुछ असर भी पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या असर पड़ते हैं, किस तरह से असर पड़ते हैं आप देखते हो. इनकी एक्टिविटीज का आप एक असर देखते हो जो बहुत ज्यादा फेमस है और सब जानते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनका एक जो इफेक्ट है आप देखते हो पोल्यूशन की फॉर्म में, यानी लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. ठीक है, दिस ऑल आर द सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जो ह्यूमन की लाइफ जो बहुत फास्ट हो गई है और बहुत से चेंजेस आए हैं, तो एक तरह से पॉजिटिव इसके फायदे हैं, उस तरह से नेगेटिव चीजें भी हमें देखने में आती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक पोल्यूशन, जैसे इंसान ने अगर फैक्ट्रीज लगाई हैं और वो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल है अगर उसको सही तरह से डम नहीं करता है, वो लाइक पानी में जाके उसको थ्रो करता है, पानी में जाके वो वेस्ट करता है उसको, वेस्टेज को पानी में जाके फेंकता है, तो जाहिर है जो वाटर है वो स्पॉइल हो जाएगा और जितनी मैरीन लाइफ है उनकी लाइफ पर इफेक्ट करेगा और हमारी लाइफ पर भी इफेक्ट करेगा. इस तरह से जो एयर पोल्यूशन है, आप देखते हैं कि एयर पोल्यूशन की जो एग्जाम्पल है ओजोन लेयर. ठीक है, आप जानते हो कि जो है एयर पोल्यूशन में जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर जो है बहुत ज्यादा बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है क्योंकि और उसमें जो है होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जो ऐसी रेस जो कि जो हमारे लिए हार्मफुल है वो रेस जो है वो ओजोन लेयर से होती हुई वो जो है दुनिया में आ रही है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की डिजीज लाइक कैंसर वगैरह जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं. तो ये जो ओजोन लेयर का ये जो प्रॉब्लम है ये भी हमें देखने में आता है. तो ये भी जो है ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट है जो कि एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है. तो और अब जो है साइंटिस्ट सोच रहे हैं किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जाए, किस तरह से इन जो ये डिफिकल्टीज हो रही है, ये प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं उनको किस तरह से ओवरकम किया जाए, किस तरह से उनको सही किया जाए. तो इन सब की चीजों की तरफ जो है साइंटिस्ट देख रहे हैं. तो जिस स्टूडेंट ये सारी जो चीजें हैं एनवायरमेंट से कंसर्न है, एनवायरमेंट से बिलोंग करती है. इसी तरह से जो है पर्सनल हाइजीन है, यानी हमारी पर्सनल हाइजीन है कि किस तरह से इंसान की हेल्थ है, किस तरह इंसान
रहता है, किस तरह से उसकी ड्रेसिंग है वगैरह सब कुछ जो है उसका ये सब चीजें जो है सफाई वगैरह ये सब जो चीजें पर्सनल हाइजीन है और उसकी जो हेल्थ है, ठीक है, सारे जो है हेल्थ हैजर्ड्स हैं, यानी हेल्थ को से क्या क्या खतरे हैं एनवायरमेंट में चेंजेस होने की वजह से, और जो है इसमें जो पोल्यूशन जो फैल रहा है उसकी वजह से उसकी हेल्थ को क्या क्या खतरे हैं, उसको क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सब कुछ चीजें जो है वो हम एनवायरमेंट केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एनवायरमेंट केमिस्ट्री इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ा है। इसमें मैंने आपसे ओजोन लेयर का जिक्र किया था, ठीक है। ओजोन लेयर आई थिंक इन प्रीवियस क्लासेस आप पढ़ चुके हो कि ओजोन लेयर हमारी जो वर्ल्ड है उसके गिर्द एक खास किस्म की लेयर होती है जो कि जो है हमारी वर्ल्ड को डिफरेंट खतरनाक रेस से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सेफ करती है। तो ओजोन लेयर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज नोन एज पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द पॉलीमेरिक केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स स्पेशली विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन, स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन सच एज प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, पेपर्स एक्सेट्रा। This definition is given in the book. Now I will explain this definition. देखिए polymeric chemistry वो chemistry है जिसमें हम polymerization का जो process है उसको हम detail में study करते हैं, ठीक है। जो what is the process of polymerization? I will tell you later on, ठीक है ना। आपको बाद में बताती हूँ कि polymerization का process क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द पॉलीमर्स, ठीक है। देन आपको ये समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन समझने में बड़ी आसानी होगी। नाउ व्हाट आर द पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स देयर आर टू टर्म्स, टू वर्ड्स व्हिच आर नोन एज पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। एक है आपके पास पॉलीमर, ठीक है, और एक वर्ड यूज होता है वो है मोनोमर, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स। ओके, मोनो मीन्स सिंगल और वन एंड मर मीन्स यूनिट। मोनोमर यानी एक चीज जो कि एक यूनिट से बनी हो या एक यूनिट की चीज हो, छोटी चीज है, ठीक है, मोनोमर कहलाती है। पॉलीमर ऐसी चीज जो कि बहुत सारे यूनिट से, एक जैसे बहुत सारे रिपीटिंग या एक जैसे बहुत सारे यूनिट से बनी है, ठीक है। जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक यूनिट मोनोमर कहलाएगी, बहुत सारी यूनिट्स पॉलीमर्स कहलाएंगी, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है ना। लाइक इट्स अ रोप, ठीक है ना, ये रोप है, रोप की ये यूनिट्स हैं या जो बल है, ठीक है ना। अच्छा देखें, दिस मन ये इट इज कॉल्ड इट इज इट विल बी नोन एज मोनोमर, क्या कहलाएगी ये एक मोनोमर है। अब ये देखिए, ये इतना छोटा एक पार्ट जो है इसका क्या कहलाता है, मोनोमर। अब जब बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं तो ये फॉर्म करते हैं पॉलीमर। आई होपफुली यू विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। यानी एक मोनोमर जब दूसरे मोनोमर से मिला, फिर दूसरा मोनोमर तीसरे मोनोमर से मिला, इस तरह से बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते गए, ठीक है, आपस में यूनाइट होते गए, तो उन्होंने एक रोप फॉर्म किया। रोप यानी रस्सी फॉर्म किया, एक रोप फॉर्म किया, एक थ्रेड फॉर्म किया या फाइबर फॉर्म किया समथिंग, ठीक है, आप कह सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके पास जो चीज बनेगी, जो सब्सटेंस बनेगा, उसे हम पॉलीमर कहेंगे। यानी ऐसी चीज जो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनी है वो पॉलीमर कहलाती है, ठीक है। सो पॉलीमर इट इज द सब्सटेंस कंपोज ऑफ मैनी मोनोमर्स, ठीक है। ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनता है, और मोनोमर्स जो है मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलीमर्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये बहुत सारे एक जैसे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनते हैं, तो ये पॉलीमर कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल दैट इज आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ रोप, ठीक है. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लाइक पेपर, प्लास्टिक, एंड यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है. फाइबर्स जो है इनकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. ये सब जो है मोनोमर्स की यूनिट से कंबाइन होते हैं तो एक चीज बनती है जो कि हमें एक लाइक पेपर की फॉर्म में या सिंथेटिक फाइबर की फॉर्म में हमें नजर आती है, थ्रेड की फॉर्म में, रोप की फॉर्म में हमें ये नजर आती है. ओके नाउ क्लास, मूव टुवर्ड्स द पॉलीमराइजेशन. अब हम मूव करते हैं पॉलीमराइजेशन की तरफ. ये क्या प्रोसेस है और इसकी इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. पॉलीमराइजेशन, ठीक है, यानी इन सिंपल वर्डिंग पॉलीमर्स के फॉर्म होने का जो प्रोसेस है वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. यानी वो प्रोसेस जिसमें पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं. और पॉलीमर्स कैसे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स के आपस में मिलने से फॉर्म होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स के आपस में मिलने से फॉर्म होते हैं. एक जैसे बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो पॉलीमर फॉर्म होता है. तो पॉलीमर्स के बनने का जो प्रोसेस है उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं. और ये सारा प्रोसेस जो है हम पॉलीमराइजेशन का ये प्रोसेस है. और ये सब हम पॉलीमरिक केमिस्ट्री में इन डिटेल स्टडी करते हैं. ओके क्लास, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट. इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क द क्वेरी क्वेश्चन, कब पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है आपको. लास्ट इन द लास्ट लेक्चर आई गेव यू क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. आई थिंक इन अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन आपने जो है 5 ब्रांचेस लिख ली होंगी होमवर्क में. अभी जो है आज हमने जो बाकी 4 रिमेनिंग जो ब्रांचेस आज हमने स्टडी की है तो प्लीज इनको भी उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा. और जो है बहुत अच्छा है, आप उसको साथ साथ याद भी करते रहें ताकि आपको बाद में वर्डनाइज ना हो, बाद में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो आपको. और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क मी. और जो है आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है. तो ये सारी जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट. एंड प्लीज डू द होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है. पेंडिंग में ना डालिएगा होमवर्क को, होमवर्क जो है साथ साथ करते रहें ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो और जो है होमवर्क लेट ना हो. तो ओके, टेक केयर, थैंक यू.